सिंध रेलवे रोको कृति समिति ने यहाँ के रेलवे स्टॉप को मंजूरी दिलाने के लिए लिखित आश्वासन दिया था। वहां आंदोलन की जगह पर पहुंचते ही एक महीने के भीतर दोनों ट्रेनों को स्टॉप देने के आश्वासन के बाद कल 23 अप्रैल को सुबह 8:58 पर नागपुर अमरावती पैसेंजर मेमू ट्रेन को स्टॉप दिया गया है। इस वक्त राष्ट्रवादी के अतुल वांदिले और रेलवे रोको कृति कमेटी के पदाधिकारियों ने रेल चालक और रेल प्रबंधक का शॉल, नारियल, फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। रेल आंदोलन कृति समिति द्वारा 17 अप्रैल को सिंध रेलवे में आंदोलन किया गया था। उस वक्त वरिष्ठ अधिकारी, रेलवे प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन में आंदोलनकारियों को रोकते हुए 2 घंटा चर्चा की। रेलवे प्रशासन ने नागपुर अमरावती मेमू ट्रेन को 8 दिनों में शुरू किया जाएगा और 1 महीने के उपरांत दक्षिण एक्सप्रेस और विदर्भ एक्सप्रेस को स्टॉप दिया जाएगा। यह आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित हुआ था। रेलवे प्रशासन ने इसकी दखल लेते हुए 6 दिनों में नागपुर अमरावती मेमू रेलवे स्टॉप देते हुए आंदोलन को सफलता प्राप्त हुई है। 23 अप्रैल की सुबह 8:58 पर नागपुर अमरावती पैसेंजर रेलवे रुकते ही रेलवे चालक एवं रेलवे प्रबंधक का शॉल और श्रीफल देकर गुलदस्ता देकर राष्ट्रवादी के अतुल वांदिले इन्होंने सिंध रेलवे के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रवादी के अतुल वांदिले, पूर्व विधायक राजू तिमांडे, जिला महासचिव दशरथ ठाकरे, अमोल बोरकर, रेलवे आंदोलन कृति कमेटी के अमोल सोनटक्के, ओम जी राठी, राहुल कलोड़े, स्नेहल कलोड़े, अमूल गवली, मुन्ना जी शुक्ला, गुल्लू बंसाली सहित अन्य पदाधिकारी एवं सभी सिंधी रेलवे ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सिंधी रेलवे या शहरा मध्ये कोरोना काळा मध्ये 12-13 ट्रेन का थांबा होता, पण तो 12-13 ट्रेन का थांबा गेल्या 2 वर्षापासून बंद करण्यात आल्यामुळे जे सिंधी रेलवे प्रॉपरच्या सर्व वासियांनी एक समिती बनवली, रेल रोको समिती, या समितीच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब, माननीय खासदार साहेब, रेल्वे मंत्री साहेब यांना वारंवार निवेदन देण्यात आले दिल्लीला जाऊन, पण यांच्यावर कोणतीही ॲक्शन घेण्यात आलेली नाही। म्हणून या सर्व रेल रोको समितीच्या माध्यमातून आम्ही सर्व लोकांनी गेल्या या 17 तारखेला भव्य स्वरूपामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रेल रोको आंदोलनाचं नियोजन केलं आणि मोठ्या प्रमाणात हजाराच्या संख्येनं जनता आमच्यासोबत रस्त्यावर उतरण्यात आलेली आहे। त्यावेळेस आम्हाला रेल्वे डिपार्टमेंटकडून आणि पोलीस प्रशासनाकडून एक आश्वासन देण्यात आलं होतं की येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये आम्ही पॅसेंजर गाडी, मेमो गाडी हे थांबवण्यात येईल आणि 3 दिवसाच्या आत विदर्भ एक्सप्रेस थांबवण्यात येईल। आजच्या तारखेला आज सकाळी 9 वाजता जे पॅसेंजर गाडी, जे मेमो गाडी आहे अमरावती नागपूर जाणारी, ह्या गाडीचा थांबा आजपासून सुरू झालेला आहे। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।